वेल दोस्तों, बात करते हैं अनदर थ्योरम फ्रॉम एडवांस अब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. तो के बी अ फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ, ठीक है, ये आपको गिवन है. एंड लेट एच कंटेनिंग इन जी के बाई एफ, देन जी के बाई एच इज इक्वल टू एच एंड एक्सटेंशन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के एंड के एच. तो सबसे पहले इनकी आपको नोटेशन समझनी होगी कि कौन चीज एक्चुअली कहाँ प्लेस हो रही है, कौन ग्रुप है, कौन फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन क्या है. तो सबसे पहले ना आपको एक के नाम की जो एक फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ गिवन है, तो इसका मतलब एक फील्ड उसकी फील्ड होगी, के उसकी एक्सटेंशन होगी. तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है, फील्ड उसके अंदर होती है, उसी के ऊपर एक्सटेंशन बनती है, के ओवर एफ, हम इसको के एक्सटेंशन ऑफ एफ बोलते हैं. तो अब हुआ क्या कि हमारे पास के जो एक्सटेंशन ऑफ एफ है, तो यहाँ से ना कुछ मैपिंग्स ड्रा करी हमने जो एफ से लेके के तक जा रही हैं, ठीक है. आई होप सो कि आपने मेरे जो पिछले लेक्चर हैं फिक्स्ड फील्ड के ऊपर और सिंपल फील्ड्स के ऊपर देखे होंगे, तो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखें. तो के और सिग्मा, इसको हम ग्लोइस एक्सटेंशन भी हमने पढ़ी थी, तो ये जो एक मैपिंग ड्रा करते हैं हम इस फील्ड से ओवर के पे, तो ऐसे ही बहुत से फंक्शन अगर आप ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए सिग्मा आपने ड्रा किया है, तो सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, ऐसे बहुत से फंक्शंस आपने ड्रा कर दिए फ्रॉम एफ टू के, ये सारी ऑटोमॉर्फिजम्स होनी चाहिए, ठीक है. ऑटोमॉर्फिजम्स आपको पता है, वन वन ऑन टू होमो, तो ये सारी ऑटोमॉर्फिजम्स ऑलरेडी सेट एक सेट से दूसरे सेम सेट पे जा रही हैं, तो ऑटो तो हैं ये. तो इन सभी मॉर्फिजम्स को हमने कलेक्ट किया, जिसको मैंने नाम दे दिया एच, ठीक है. अभी हमने दिया ये एच, मैं इसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं जो पीछे मैं समझा चुका हूँ उसमें हम इसको डायरेक्टली जी भी बोलते हैं. तो ये सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा, सारी मॉर्फिजम्स इसके अंदर कलेक्ट कर ली हमने, ठीक है. तो ये क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स. अब दोस्तों अगर ये ग्रुप है तो भाई यहाँ ऑर्डर की बात होगी, और अगर कोई एक्सटेंशन है तो वहाँ डिग्री की बात होगी, गेटिंग योर पॉइंट. तो ये आपका सिग्मा एफ, इसको हम डोनेट करते थे इससे, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन के ओवर एफ. तो के एफ एक फील्ड एक्सटेंशन है आपके पास, ठीक है. ये एच मैंने क्या डोनेट किया है, एच इज द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स. अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, सो के ओवर एफ भी लिखते हैं, के बाय एफ भी लिखते हैं एक्सटेंशन को. तो देखो हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो ये एच है, ये क्या मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स है, इसको तो कहाँ से कहाँ मॉर्फिज्म जा रही हैं, फील्ड इसकी एफ है, ठीक है. तो एफ टू के, तो इसका मतलब हमारे पास ये, और इसी एच को ही मैं इक्वल टू ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स मान के चल रहा हूँ. दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स, और कहाँ से कहाँ तक, इस एफ टू के, यानी कि चल सब कुछ के अंदर ही रहा है, कहीं अलग से नहीं है कुछ भी, ओके. तो अब आप कहेंगे कि थ्योरम तो मैंने यही प्रूव कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ एक्चुअली कहाँ है. तो के, इसी एफ को ना के एच लिख दिया मैंने, ठीक है, क्यों, एफ से ही तो वो मैपिंग्स जो जा रही थी, तो उस एफ को के एच नाम दे दिया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के एच, यही आपको प्रूव करना है कि इस एक्सटेंशन फील्ड की डिग्री इसके इक्वल होनी चाहिए. अब के एच को ना एफ ना मान के अपन एक सब पार्ट मान ली, एक सब फील्ड मान ली और कुछ नहीं है. तो ये अगर इसको ग्रुप मानोगे तो जी के एफ इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ के एफ, दिस दैट मस्ट बी इक्वल, है ना. तो ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना है बच्चों कि एक्सटेंशन डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो की के एच बन रहा है. अब बहुत से बच्चों को ना के एच में बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. चलिए तो प्रूफ इसका बड़ा ही सिंपल है. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इट इज गिवन दैट एच कंटेनिंग इन जी के ओवर एफ, ठीक है, और के एच, एफ को मैंने अभी बोला कि आपको के एच डायरेक्टली ले लीजिए. तो एच कंटेनिंग इन जी के एच इट इज कंटेनिंग, और जी के एच क्या है, दैट द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिजम्स. तो ये एक्चुअली क्या, एच इस जी के ओवर एफ के अंदर है, यानी कि एच इस ऑटोमॉर्फिज्म वाले ग्रुप का भी एक सब ग्रुप हो गया, ठीक है. तो इसलिए अब स्पेसिफिक एच के लिए थ्योरम बना देगी, अदरवाइज अगर जी के एफ के लिए करें तो वो थ्योरम ऑलरेडी ट्रू है, वो पिछली थ्योरम हम कर चुके हैं. तो जी के ओवर एफ के अंदर एक एच है, उस एच को एफ ना दे के हमने के एच नाम दे दिया, यानी कि एक नया जो ग्रुप जनरेट हुआ ऑटोमॉर्फिज्म को, उसको नाम दे दिया और कुछ नहीं किया.
तो इट इज गिवन दैट एच कंटेनिंग इन जी के के एच. ओके, तो देन बाय द प्रीवियस थ्योरम, जो लास्ट हमने थ्योरम कर चुके हैं उसमें हमने ना ये थ्योरम की स्टेटमेंट थी, हमने प्रूव कर दिया था कि जो आपका इस एक्सटेंशन की डिग्री होगी के एंड के एच, एच क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स, इसको समझें. तो के एच की एफ की जगह बस के एच लिखा है, इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ एच. एच क्या है, एक ग्रुप है, तो ग्रुप का हमेशा क्या होता है, ऑर्डर होता है. ठीक है, तो ये दोनों बराबर थे, पिछली थ्योरम में हमने कर लिया. तो चलो जी, इससे हम कहानी और शुरू करते हैं हमारी. तो इसका मतलब, और हमें एक चीज और स्पेसिफिक हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि भाई जो ये आपका ऑर्डर ऑफ एच है ना, ठीक है, अगर के इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ है, वी नो दैट इफ के इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, और फील्ड क्या है, के नहीं है दोस्तों, यहां पे एफ है. तो ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन अगर इस एफ की है, अगर के है, तो उसके कंसर्न में वी नो दिस थिंग कि इसकी अगर मैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन लूं के ओवर एफ की, तो देखो क्या हो सकता है. तो देन दैट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म दैट के फ्रॉम एफ, ये जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाई, वो होगी लेस देन इक्वल टू द के ओवर एफ जो फील्ड एक्सटेंशन है, यानी कि एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो उसका ऑर्डर या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा. वही बात है ना, ग्रुप से दूसरे ग्रुप के आप मॉर्फिजम्स लगा रहे हो तो वो मॉर्फिजम्स या तो कम होंगी या बराबर होंगी, बस ज़्यादा हो नहीं सकती. और ऑर्डर ऑफ एच ये इक्वल होगा के एच, ये अभी लास्ट थ्योरम से हमने पढ़ा, ठीक है, ये वहाँ से लिखा अपनी मर्जी से नहीं. और के ओवर एच डेफिनेटली ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा किससे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ये ऊपर वाली स्टेटमेंट से लिख रहा हूँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट जो आपको बता रही है, के एफ की जगह बस के एच लिखना है और कुछ भी नहीं है, कि वो आपका ग्रुप का जो ऑर्डर है वो या तो भाई छोटा होगा या उसके बराबर होगा, और ये एच के ऑर्डर से तो बड़ा ही है. तो इस पूरी स्टेटमेंट से ना आपको कहानी समझ में आ गई सीधी सीधी, भाई एच का ऑर्डर इससे छोटा भी और इससे बड़ा भी है, यानी कि जो दो बीच वाली स्टेटमेंट आपने लिखी है, दैट एच इज इक्वल टू जी ऑफ के बाय के एच, एच एंड बोथ आर इक्वल ना. अब देखो ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट से आपको ये समझ में आ गई. तो एक्सटेंशन क्या होगी, एक्सटेंशन इज इक्वल टू होगी ऑर्डर ऑफ जी के ओवर के बाय के एच. ओके, तो ये बहुत बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी थ्योरम थी, बहुत लेंथी नहीं थी थ्योरम ये. तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि के एच क्या है. एच आपका उस ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स का एक सब ग्रुप है, और उस एच की वजह से, वहां एफ नहीं है, एच है, तो उसको के एच नाम से, यानी कि उस एफ की जगह पे आपको के एच इंसर्ट करना है और कुछ भी नहीं है. ओके, तो ये आपकी इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स. ओके, जो आपको स्पेसिफिक कोई सब ग्रुप जैसे एच दिया गया था उसके रिगार्डिंग ये दोनों इक्वल होंगी, और इसी का रिजल्ट हम आगे आने वाली थ्योरम्स में फिर से यूज़ करेंगे. तो डेडकाइंड लेमा के रिस्पेक्ट में एक थ्योरम थी जो कि मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, तो इससे आगे, इससे रिलेटेड थ्योरम्स हम आगे और करेंगे. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉच, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच.